मूवी के स्टार्टिंग में हम एक इंसान को देखते हैं जिसका नाम था ली, और हमें पता चलता है कि ली एक बहुत ही बड़ा आर्टिस्ट है। वो जेल के अंदर एक लेटर के स्टैम्प को बना रहा था, जैसे कि उसके पास पैसे नहीं थे एक न्यू स्टैम्प को लेने का, तो वो खुद से वो स्टैम्प की कॉपी बनाना चालू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब वो स्टैम्प को बना लेता है और पोस्टमैन को अपना लेटर देने लगता है, तो वो बनाया हुआ स्टैम्प इतना रियल दिखता है कि वो पोस्टमैन भी पहचान नहीं पाता। और ये देखने के बाद हमें पता चल जाता है कि ली का बैकग्राउंड क्या था। वो बहुत ही बड़ा एक अच्छा आर्टिस्ट था, लेकिन वो जेल के अंदर क्या कर रहा था और कैसे आया, ये सब हमें बहुत ही जल्दी पता चलेगा। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक कैनेडियन पुलिसमैन आता है, जो कि ली से पूछने लगता है कि तुम्हारे पास बस 2 दिन का समय है, मुझे अच्छे से पूरी सच्चाई स्टार्टिंग से बताओ। जिसकी रिप्लाई में ली उससे बताता है कि मैं मानता हूँ कि मैंने वो करेंसी बनाया था डुप्लीकेट, लेकिन इसी बीच जो लोग मरे, जो लोगों की मौत हुई, वो सब मैंने नहीं करवाया था, ये सब के पीछे वो आर्टिस्ट था। तो वो कैनेडियन पुलिस उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो, जिसके रिस्पॉन्स में हम देखते कि वो अचानक से चुप हो जाते हैं। ली वो आर्टिस्ट के बारे में कुछ भी आगे बताता नहीं। तब इसी बीच हम दूसरी तरफ ली की एक्स गर्लफ्रेंड को देखते हैं, जिसका नाम था युआन, और वो यहाँ पे आई थी ली को बचाने के लिए, मतलब कि उसका बेल करवाने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि पुलिस वाले उसे बेल देने से साफ मना कर देते हैं, क्योंकि उसने अधूरा सच बताया नहीं था वो आर्टिस्ट के बारे में। जिसके रिस्पॉन्स में युआन वो लोग को बताती है कि मैं कन्विंस करती हूँ ली को, और वो ली के पास आके उसे कन्विंस करना चालू कर देती है। जिसके बाद हम देखते कि ली फाइनली मान जाता है कि वो पुलिस वाले को सब कुछ बताएगा। स्टार्टिंग से वो बताता है पुलिस वाले को कि ये कहानी तब की है जब मेरी दोस्त, मतलब कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड, जो कि आप लोग के सामने आई है मेरी बेल करवाने के लिए, हम दोनों साथ में रहते थे कनाडा में, और हम दोनों भी एक काफ़ी अच्छी आर्टिस्ट हैं, लेकिन फ़र्क बस इतना ही था कि जो युवान थी वो अपना ओरिजिनल पेंटिंग बनाती थी, मतलब कि खुद का क्रिएटिविटी दिखा के, और एक दूसरी तरफ मैं था जो कि बस डुप्लीकेट बनाता था ओरिजिनल पेंटिंग का, लेकिन मेरी डुप्लीकेट ओरिजिनल से कम नहीं होते थे। सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन जब मैं अपनी पेंटिंग को बेचने गया, तो तब मुझे पता चला कि मेरी पेंटिंग की कुछ वैल्यू नहीं है, मतलब कि जो शॉप ओनर था वो डायरेक्ट मुझे मना कर दिया वो पेंटिंग खरीदने से, क्योंकि जो भी पेंटिंग मैं बनाता था वो डुप्लीकेट कॉपी होता था ओरिजिनल वालों से। तो उसी दिन वो शॉप ओनर ने मुझे रियलाइज करवाया कि मेरी जो पेंटिंग की उसकी कुछ वैल्यू नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं युवान की पेंटिंग को, जिसे खरीदने के लिए काफी लोग ऑफर दे रहे थे, और उनमें से एक इंसान था लोकमैन, जो कि युवान को एक ऑफर देता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी सभी की सभी पेंटिंग पसंद आई है, तो मैं तुम्हारी पेंटिंग को खरीदना चाहता हूँ मेरे एग्जीबिशन के लिए, और इसके बाद तुम बहुत फेमस हो जाओगी। जिसकी रिप्लाई में युवान उसे कहती कि मेरी पेंटिंग के साथ ही साथ मेरी दोस्त ली की भी पेंटिंग वहाँ पे होनी चाहिए। तो लोकमैन उसे बताता है कि जो तुम्हारा बीएफ का पेंटिंग है वो सारे के सारे डुप्लीकेट है, वो भला कितना भी बड़ा आर्टिस्ट हो लेकिन ये पेंटिंग की जरा से भी वैल्यू नहीं है, तो मैं उसकी पेंटिंग नहीं लगाऊंगा फ्री में भी। दूसरी तरफ हम देखते ली को, जो कि बाहर से ये सब सुन रहा था, और वो लोकमैन के जाने के बाद अंदर आता है और अपनी जीएफ को समझाने लगता है कि उसका जो ऑफर है वो काफी अच्छा है, जरूरी नहीं कि मेरा पेंटिंग तुम्हारे बाजू में हमेशा खड़ा हो, तुम्हें वो ऑफर को मना नहीं करना चाहिए, तुम अभी की अभी उसे हाँ बोल दो। तो हम देखते कि युवान उसकी बात को मान लेती है। इसके बाद हम देखते कि एग्जीबिशन का दिन आ जाता है, जहाँ पे हम युवान को भी देखते जो कि अपनी पेंटिंग के सामने खड़ी थी, और इसके साथ ही साथ हम वहाँ पर काफी बड़े बड़े आर्टिस्ट को भी देखते हैं जो कि वहाँ पर वो एग्जीबिशन में आए थे। तभी वहाँ पे हम ली की पेंटिंग को भी देखते हैं, जिसका ये मतलब था कि लोकमैन ने युवान के ऑफर को एक्सेप्ट किया था। वहाँ पे हम एक इंसान को भी देखते हैं जो कि काफी बड़ा आर्टिस्ट था, वो सभी पेंटिंग को गौर से देख रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसकी नजर ली की पेंटिंग में जाती है, और ये देखने के बाद वो ली की पेंटिंग का काफी मजाक बनाता है सबके सामने। जिसके रिस्पॉन्स में हम देखते कि जो ली की गर्लफ्रेंड थी युवान, वो भड़क जाती है वो इंसान के ऊपर, और वो दोनों का काफी झगड़ा हो जाता है इसी बीच। इसके बाद हम देखते कि वो इंसान गुस्से में वहां से निकल के अपनी गाड़ी में जाके बैठ जाता है। जैसे वो निकलने वाला था, तभी अचानक से हम वहाँ पे ली को देखते हैं, जो कि बेचारा अपनी पेंटिंग के लिए इससे माफी मांगने अलग से आया था। जिसके रिप्लाई में वो इंसान बताता है ली को कि मैंने जानबूझ के तुम्हारी पेंटिंग की बुराई सबके सामने की, क्योंकि वो करना जरूरी था। वो बताता है ली को कि किसी भी पेंटिंग का रूबरू एकदम सेम कॉपी बनाना ये छोटी सी बात नहीं है, इसके लिए बहुत ही सारा स्किल और टैलेंट होने चाहिए। वो ली को बताता है कि ये सब करने से अच्छा मेरे पास तुम्हारे लिए एक छोटा सा ऑफर है। वो बताता है ली को कि जो तुम्हारा स्किल है वो मेरे लिए तुम यूज़ करो, और फिर उसके बाद वो एक कार्ड को देते हुए कहता है कि यहाँ पे आ जाना। इसके बाद हम देखते हैं कि ली वहाँ से निकल के अपनी जीएफ युआन के पास आता है,
और वहाँ पर आने के बाद जो पेंटिंग उसका लगा हुआ था वो सबके सामने वो पेंटिंग को जला देता है। ये देखने के बाद हम समझ चुके थे कि ली अब एक गलत राह में जाने वाला था। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ली वही पेंटर के पास वापस आता है जिसने उसको जॉब ऑफर दिया था। तभी वो पेंटर ली को उसका काम बताता है। वो कहता है ली से कि तुम्हें किसी भी पेंटिंग का डुप्लीकेट बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें पेंटिंग के बदले करेंसी का डुप्लीकेट बनाना है। जैसे कि ली एक सीधा साधा इंसान था तो वो ये सब करने से साफ मना कर देता है। तो यहाँ पर वो पेंटर उसे पैसों की लालच देना चालू कर देता है। वो बताता है ली को कि हमारी गैंग और मैं ये काम पिछले 3 साल से करे, लेकिन आज तक हम कभी पकड़े नहीं गए। हमने काफी सारे पैसे बनाए डॉलर में। तुम्हारे भी कुछ सपने हो गए जिसे तुम पैसों की मदद से पूरा कर सकते हो आसानी से। तुम डरो मत, ये काम बहुत ही प्रोफेशनल है और इसमें हमारी पूरी टीम तुम्हारी मदद करेगी। लेकिन हम देखते हैं कि ली को अब भी ये डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम लग रहा था, तो वो उस पेंटर से कुछ समय की मोहलत मांगते हैं। अब वो कहते हैं कि मुझे कुछ समय चाहिए सोचने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि ली अपने घर आते हैं, लेकिन जैसे वो अपने घर आता तो वो देखते कि युवान उसे छोड़ के जाने वाली थी। मतलब कि जो उसने हरकत किया था उसकी वजह से उसकी वाइफ को बहुत ही बुरा लगा। तो युवान डिसाइड कर ली थी कि वो ली को छोड़ के हमेशा के लिए चली जाएगी, क्योंकि उसे अपनी लाइफ को एक ऐसे इंसान के साथ कंटिन्यू नहीं करना था जो कि उसकी खुशी से जलता हो। तो हम देखते कि युवान फाइनली उसे छोड़ के वही इंसान के साथ चली जाती है। फिर इसके बाद हम देखते कि ली पूरी तरीके से टूट चुका था, क्योंकि उसके पास बस उसकी GF युवान थी जो कि उसके गुस्से को शांत करती थी, लेकिन अब उसके बिहेवियर के वजह से वो भी उससे दूर चली गई। तो हम देखते कि ली फाइनली डिसाइड कर लेता है कि वो गलत रास्ते को चुनेगा। तो फिर इसके आगे हम देखते कि वो मजबूरी में वही इंसान के पास आ जाता है जो कि उसने सोचने के लिए समय मांगा था। यहाँ पे पूछने के बाद वो पेंटर ली को बताता है कि हाल ही में गवर्नमेंट ने एक न्यू करेंसी को लॉन्च किया है, और ये करेंसी की सबसे बड़ी खासियत उसकी लाइन एंड डॉट है जो कि बहुत ही बारीकी से बनाया गया है। तो इस पॉइंट में हमें तुम्हारी स्किल की नीड है, इसे कॉपी करना काफी मुश्किल है, लेकिन मुझे पता है कि तुम कर सकते हो। वो इसके साथ ही साथ ली को बाकी दूसरे मेंबर से भी मिलाता है जो कि बाकी दूसरे काम करते हैं। मतलब कि एक फेक करेंसी को बनाने के लिए सबसे पहले उसका डुप्लीकेट बनाना पड़ेगा जो कि ली के अंडर है। फिर इसके बाद जो डुप्लीकेट बना हुआ है उसका मल्टीपल कॉपी बनाना और फिर उसके मल्टीपल कॉपी को कलर करना, ये सब उसकी दूसरी टीम करती थी। ये लोग अपने काम को काफी प्रोफेशनल वे में करते थे। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि मूवी के अगले सीन में कि वो सभी काम पे लग जाते हैं। ली सबसे पहले वो करेंसी में बनाया हुआ डॉट और लाइन को चेक करने लगता है, और फिर उसके बाद हम देखते कि वो अपना स्केचिंग चालू कर देता है, जहाँ पे हम देख पा रहे थे कि वो काफी बारीकी से वो पेंटिंग को कॉपी कर रहा था। मतलब कि हर एक लाइन को नोटिस करके वो अपने डुप्लीकेट स्केच में बना रहा था। और फिर उसके बाद हम देखते कि काफी दिनों की मेहनत के बाद उसकी स्केच फाइनली तैयार हो जाती है, और वो देखने के बाद जो वो पेंटर था वो काफी खुश हो जाता है, क्योंकि ली की बनाई हुई डुप्लीकेट पेंटिंग भी बहुत ही ओरिजिनल लग रही थी। तो इसके बाद हम देखते कि वो अब जाते अपने सेकंड प्रोसेस के लिए। तो ये सब के लिए उन्हें एक प्रिंटर चाहिए था जो कि वो परचेस भी करते $5,000 में। और फिर उसके बाद हम देखते कि जो इनका सेकंड स्टेप था मल्टीपल कॉपी बनाने का, वो भी कंप्लीट कर लेते ये लोग। जिसके बाद ये लोग अब आखिरी स्टेप में आते जो कि था कलरिंग और पेंटिंग का, लेकिन इसके लिए ये लोग को पुलिस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो कलर और इंक होता है नोट को बनाने के लिए वो एक्चुअली गवर्नमेंट के पास ही था, और अगर वो बाकी लोकल शॉप से खरीदने की कोशिश भी करेंगे तो वो बड़ी आसानी से पकड़ी जाएगी डुप्लीकेट करेंसी में। तो इसके लिए हम देखते कि उसकी टीम पूरी तरीके से तैयार हो जाती है पुलिस के ऊपर अटैक करने के लिए, जिसमें हम ली को भी देखते जिसे कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं था गन शूट करने का, लेकिन फिर भी वो लोग उसे अपनी टीम में ले लेते हैं। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी पुलिस के वैन को रोक लेते हैं, और उसे रोकने के बाद वो सभी डायरेक्ट फायरिंग करना चालू कर देते हैं, जहाँ पे ली देखता है कि वो सभी के लिए ये सब काम काफी नॉर्मल था, और उसे एक मिनट के लिए तभी एहसास भी होता है कि वो शायद गलत राह में आ गया है, क्योंकि बात हुई थी बस डुप्लीकेट करेंसी बनाने की, ना कि किसी की जान लेने की। और तभी अचानक से हम देखते हैं कि एक ऑफिसर ली के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। वो जैसे ली के ऊपर गन शूट करने वाला था, तभी अचानक से हम देखते कि मेन मोमेंट में वो पेंटर आके उसे बचा लेते हैं, जिसके बाद हम देखते कि वो सभी वो इंक को चुराने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ली नोटिस करता है कि वो इंक को चुराने के बावजूद भी
वो पेंटर सभी को बॉम्ब से उड़ा के मार देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो उनका फाइनली प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट होने आया था, मतलब कि वो लोग फेक करेंसी बनाना चालू कर दिए थे वो इंक से। और हम देखते हैं कि जब वो फेक करेंसी बनता है तो कहीं से भी लगता नहीं कि वो फेक है, बल्कि वो ओरिजिनल की तरह एकदम दिख रहा था। ये सब देखने के बाद वो पेंटर अपनी टीम से काफ़ी खुश हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी ली बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि जो उसके बॉस ने उस दिन किया था वो देखने के बाद वो अब डर गया था। वो कहता अपने बॉस से कि मैं तुम्हारी टीम में आगे चल के काम नहीं करने वाला, तुम इसी तरीके से आगे भी लोगों को मारोगे जब ये इंक पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, जो जो मेरी मिशन के बीच में आएगा वो कोई भी बचेगा नहीं। लेकिन फिर वो देखते हैं कि ली पूरी तरीके से डरा हुआ है, तो वो बात को घुमा के वो बात को संभाल लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कैनेडियन पुलिस को, जिसने एक स्पेशलिस्ट को हायर कर लिया था, और ये इंसान का नाम था स्पाई विंग, जिसे फेक करेंसी आइडेंटिफाई करने के लिए स्पेशली बुलाया गया था। इसके बाद हम देखते ली को, जो कि सोच में आ गया था अपनी बॉस की बातें सुनने के बाद, क्योंकि जैसे भी उसे लोगों की जान बचाना था तो वो डिसाइड कर लेता कि वो इंक बनाने का कुछ अल्टरनेटिव तरीका ढूंढ के रहेगा। जिसके बाद वो उस इंक को अच्छे से एनालाइज करने लगता है और देखने लगता है कि कितने लेयर इसके अंदर मौजूद है, और फिर उसके बाद वो गाड़ी में लगे हुए पेंट को भी चेक करके उसको एनालाइज करने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते वही पेंटर को, जिसके पास एक बहुत ही बड़ा क्लाइंट आया था और उसे ये फेक करेंसी बहुत ही ज्यादा चाहिए था, तो वो दोनों डील कर देते हैं। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे हम ली को भी देखते हैं। जैसे ली वहाँ पे आता है तो वो एक लड़के से मिलता है जिसका नाम था चीन, जो कि और कोई नहीं बल्कि वही क्लाइंट की स्पेशलिस्ट थी जो एनालाइज करी थी रियल और फेक करेंसी को। उसे देखने के बाद ली को युवान की याद आती है। तभी हम देखते कि उसका बॉस ली से पूछने लगता कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिसकी रिप्लाई में ली फाइनली कहते कि मैंने वो इंक को बना लिया, तुम्हें अब जरूरत नहीं है वो इंक को चुराने की। ये सब सुनने के बाद जो ली का बॉस था वो क्लाइंट की मीटिंग को तुरंत डिसमिस करते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं आपके घर भी आके ये डील को कंफर्म करता हूँ, फिलहाल के लिए आप जा सकते हो, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही वो लोग वहाँ से जाते हैं तो वो ली का बॉस तुरंत वो बनाया हुआ इंक को चेक करने लगते हैं, और चेक करने के बाद वो काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि जो इंक ली ने बनाया था वो एकदम सेम था जो इंक वो लोग ने चोरी किया था। मूवी के अगले सीन में हम देखते कि वही बॉस वो क्लाइंट से मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन खुशी के मारे वो अपने साथ ली को भी ले लेते हैं। वो दोनों वही क्लाइंट के पास आते हैं डील को अच्छे तरीके से कंफर्म करने के लिए, लेकिन हम देखते कि वो बॉस डील के वजह से उसके पास नहीं जा रहा था, बल्कि वो अपना बचपन का बदला निकालने के लिए जा रहा था उसके पास। एक्चुअली जो क्लाइंट के पास ये जा रहा था उसने धोखे से पैसों की लालच में उसके डैड को मार दिया था, तो ये चीज़ वो बचपन में नोटिस कर लिया था, तो उसी चीज़ का बदला लेने के लिए हम देखते कि वो क्लाइंट से मिलने के लिए ली को भी अपने साथ ले लेते हैं। यहाँ पे पूछने के बाद वो ली को बताता है कि तुम्हारे पास एक ट्रिगर होगा, और जब मैं कहूँगा कि वो ट्रिगर को छोड़ दो तो सही समय पे वो ट्रिगर को नीचे गिरा देना। तो फिर इसके बाद हम देखते कि ये सब समझाने के बाद वो दोनों वही क्लाइंट से मिलने के लिए आते हैं। मीटिंग में आने के बाद ली थोड़ा नर्वस दिख रहा था और ये चीज वो क्लाइंट नोटिस कर ले, तो वो तुरंत उसके बॉस से पूछने लगता है कि आखिर तुम्हारा मकसद क्या है यहाँ पे आने का। तभी अचानक से उसका बॉस अपने ब्लेजर को ओपन करके उसे बॉम्ब दिखाता है। वो कहते है कि जो तूने मेरे डैड के साथ किया था उसका अंजाम अब तू झेलेगा। और फिर हम देखते कि वो तुरंत ली से कहता है कि वो ट्रिगर को नीचे छोड़ो। ली ये शब्द सुन के तुरंत वो ट्रिगर को नीचे छोड़ देता है। जैसे वो ट्रिगर को छोड़ता है तभी अचानक से हम देखते हैं कि बॉम्ब ब्लास्ट होता है उसके गाड़ी में, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बॉस पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ पे आया था, मतलब कि वहाँ पे हम बॉस की टीम को भी देखते हैं जो कि अचानक से वहाँ पे आ जाती है, मतलब कि वहाँ पे हम बॉस के आदमियों को भी देखते हैं जो कि उसे बैकअप दे रहे थे। वो सभी मिलके वो क्लाइंट के आदमियों के ऊपर फायर करना चालू कर देते हैं। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं वही लड़की को, जिसका नाम था चिंग, वो आग में जल के मर रही थी। तो ये सब देखने के बाद तुरंत ली उसे बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन हम देखते कि जब तक ली उसे बचाता तब तक बहुत लेट हो चुका था, मतलब कि जो उसका फेस था वो आधे से ज़्यादा जल चुका था। यहाँ पे हम देख पा रहे थे कि ली जो था वो चिंग को लाइक करना चालू कर देते हैं, तो ये बात उसका बॉस पेंटर नोटिस कर लेते हैं
और वो चिंग के जले हुए फेस में युवान के फेस का प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों भी युवान के वही एक्सिबिशन हॉल में जाते जहाँ से ये सब चालू हुआ था। यहाँ पे पूछने के बाद ली देख के शौक हो जाता है कि जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी युवान, वो लोकमैन के साथ एंगेजमेंट करने वाली थी। ली का बॉस उसे समझाता है कि तुम्हें अपने प्यार के लिए लड़ना चाहिए, तुम्हें यूं ही अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को अपने हाथ से जाता हुआ नहीं दिखना चाहिए। लेकिन हम देखते कि ली जैसे कि एक सीधा साधा इंसान था तो उसे वायलेंस करना बिल्कुल पसंद नहीं था, वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। वही दूसरी तरफ हम वही स्पेशलिस्ट को देखते जो कि यहाँ तक पहुँच गया था, और वो कैसे यहाँ तक पहुँच चुका था वो भी हमें पता चलता है। एक्चुअली हमें पता चलता है कि जो बॉस की टीम का एक मेंबर था जिसका नाम था यांग, वो अपने बने हुए फेक करेंसी को चुरा के एक लोकल शॉप से बहुत ही महंगा क्लॉक खरीदता है, और उसकी बदनसीबी से वो क्लॉक का शॉप पुलिस के अंडर था, जिसके वजह से वो स्पेशलिस्ट को पता चल चुका था कि वो इंसान येलो के लिए काम करता है, और इसी वजह से वो जो ऑफिसर था वो एक क्लाइंट बन के यहाँ पर आया था। लेकिन वो जानबूझ के अभी तक कुछ भी एक्शन लेता नहीं, क्योंकि उसे पूरे के पूरे नाम चाहिए थे वो इंसान के जो कि ये सब में शामिल है, तो वो थोड़ा और वेट करता है ये लोग के पत्ते पूरी तरीके से खुलने के लिए। लेकिन यहाँ पे हम देखते कि जो उसका प्लानिंग था उल्टा उसके ऊपर भारी बनने वाला था, क्योंकि जो पेंटर था उसे पता चल चुका था कि उसके आदमी ने उसे धोखा दिया है, और इसके साथ ही साथ उसको ये भी पता चल जाता है कि जो नया क्लाइंट आया है वो कोई क्लाइंट नहीं बल्कि एक स्पाई है। लेकिन उसका काम तमाम करने से पहले वो अपने उसी आदमी का काम तमाम करता है जो कि उसको धोखा दिया था। फिर इसके बाद मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि वो एजेंट ये लोग के पास आता है डील को कंफर्म करने के लिए, लेकिन उसको नहीं पता था कि ये लोग को ऑलरेडी सब कुछ पता है उसके बारे में। और तभी मीटिंग के बीच में हम देखते हैं कि वो बॉस ली से कहता है कि वो एजेंट को तुरंत मारो, लेकिन इस बार भी हम देखते हैं कि ली पूरी तरीके से फेल हो जाता है। जिसके बाद हम देखते कि वो पेंटर को अपने हाथों से वो इंसान को मारना पड़ता है, और वो एजेंट को मारने के बाद वो ली के ऊपर काफी गुस्सा करता है। वो ली से कहता है कि तुम्हें हमारी टीम को ज्वाइन किए लगभग 6 से 7 महीने हो गए, लेकिन अभी भी तुम्हें गोली चलाना भी नहीं आता, तुम पहले भी डरपोक थे अभी भी बस डरपोक ही हो। ये सब देखने के बाद अब वो पेंटर को ली का जो डर था उसे पूरी तरीके से खत्म करना था, जिसकी वजह से वो ली की एक्स गर्लफ्रेंड और उसका मंगेतर मतलब कि वो लोकमैन दोनों को बांध के पहले से लाया हुआ था। वो ली को गुस्सा दिलाते हुए कहते कि जो तुम अपने सामने दिख रहे हो वो इंसान, वही इंसान तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड को तुमसे छिनाए, तो अभी तुम्हारे पास एक अच्छा समय है उससे बदला लेने का। वो ली को गन देता है और उससे कहता है कि वो इंसान को मार दो, जिसके रिस्पांस में हम देखते हैं कि ली वही गन को वो पेंटर के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। लेकिन वो पेंटर अच्छे से जानता था कि ली के पास इतना दम नहीं है कि वो गोली को शूट करेगा, तो वो बिंदास अपने सर में गन पॉइंट होते हुए भी उसके मंगेतर मतलब कि लोकमैन को ली के सामने मार देता है, जिसके बाद वो गुस्से में युवान को भी मारने वाला था, लेकिन सही समय पर वहाँ पे ली उसे बचा लेता है। ये सब देखने के बाद जो बॉस के गुंडे थे वो लोग भी फायरिंग करना चालू कर देते हैं ली के ऊपर। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चिंग एकदम सही समय पे आ जाती है जो कि ली को वहाँ से बचा लेती है वो लोग के ऊपर सूट के। चिंग वहाँ पर एकला सभी में भारी पड़ जाती है, और फिर इसके बाद आखिरी में हम देखते हैं कि वो बॉस और ली दोनों भी आमने सामने थे। ली के हाथ में गन था लेकिन उसका बॉस को लग रहा था कि इस बार भी वो शूट नहीं करेगा, लेकिन इस बार हम देखते कि ली वो बॉस के ऊपर शूट कर देता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि जो उसका बॉस है वो एक अच्छा इंसान बिल्कुल नहीं है, अगर वो जिंदा रहा तो वो आगे भी इसी तरीके से बाकी लोग की जान भी लेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि चिंग ली को लेके वहाँ से निकलती है। वो दोनों वहाँ से भागने के बाद डायरेक्ट बैंक ऑफ में आके छुप जाते हैं। लेकिन तभी ली पढ़ता है न्यूज़पेपर जिसमें लिखा हुआ था कि जो बॉस था उसकी लाश पुलिस को अभी तक मिली नहीं, जिसका एक ही मतलब था कि उसके आदमियों ने उसे बचा लिया है, और वो सबसे पहले अपना बदला लेने के लिए युवान को मारने के लिए जाएगा। तो ली यहाँ पे डिसाइड कर लेता है कि वो अकेला जाएगा युवान को बचाने के लिए। जैसे वो वहाँ से निकलने वाला था तभी अचानक से हम बैंक ऑफ के पुलिस को देखते हैं, जिन्हें पता चल चुका था कि जो ली है वो फेक करेंसी में इन्वॉल्व है, और वो पुलिस ली को अपने साथ पकड़ के ले जाते। फिर इसके बाद हम देखते कि मूवी वापस से प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पे हम ली को देखते जो कि ये लोग को सब सच्चाई बता रहा था। तभी युवान उससे कहती कि तुम पूरा सच
बता दो वो पेंटर के बारे में। एक्चुअली यहाँ पे ली डर रहा था कि वो पेंटर कहीं उसे मान न दे, इसके लिए वो अभी तक किसी को भी उसका नाम बता नहीं रहा था। लेकिन हम देखते कि युवान के इतने कहने पर वो फाइनली तैयार हो जाता है उसका स्केच बनाने के लिए। फिर इसके बाद हम देखते कि जैसे ही वो पेंटर का स्केच वो बना के दे देता है पुलिस वाले को, तो उसका जो बेल रुका हुआ था वो पुलिस वाले अप्रूव कर देते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ समय के लिए आजाद हो जाता है। मतलब कि युवान अपने साथ उसे ले जाती है। मूवी के अगले सीन में हम देखते कि जब वो ऑफिसर अगले दिन जा रही थी तो वो अचानक से अपने सामने वही पेंटर के शक्ल वाले इंसान को देखती है। वो तुरंत उसके पीछे लग जाती है उसे पकड़ने के लिए, जिसके बाद हम देखते कि फाइनली वो पेंटर को पकड़ लेती है अपनी टीम की मदद से। लेकिन यहाँ पर आता कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, मतलब कि जो ली ने स्केच बना के दिया था वो किसी पेंटर का था ही नहीं, ये इंसान और कोई नहीं बल्कि पुलिस का एक आदमी था जो कि उस दिन ली को अपने साथ ले जा रहा था पुलिस स्टेशन। और अब जाके हमें पता चलता है कि जो ली ने कहानी सुनाया था पेंटर का वो सारा का सारा गलत था। मतलब कि जो कहानी में उसने पेंटर बताया था वो और कोई नहीं बल्कि वो खुद ही था। उसने सबकी जान ली थी और जो पूरा फेक करेंसी का प्लान था उसने बनाया था। इसके साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि जो लड़की आई थी युवान बनके वो एक्चुअली युवान थी नहीं, क्योंकि हमें पता चलता है कि जो असली युवान है वो एक्चुअली चाइना में थी और जो यहाँ पर आई थी वो और कोई नहीं बल्कि चिंग थी। चिंग वही लड़की थी जिसका प्लास्टिक सर्जरी किया गया था कहानी में। मतलब कि कहानी पूरी की पूरी सच थी, लेकिन जो जो कैरेक्टर और जो प्ले सिवाय वो पेंटर की आइडेंटिटी को छोड़ के जो कि कभी थी नहीं। ये सब देखने के बाद पुलिस वालों को भी समझ जाता है कि जो ली है वो बहुत ही बड़ा मास्टरमाइंड था और उसने काफी अच्छी तरीके से कहानी को अपने मन से बनाया था। वो लोग तुरंत ली को पकड़ने के लिए उसके पास जाते, लेकिन जब तक वो लोग वहाँ पे पहुँचते तब तक बहुत लेट हो चुका था। मतलब कि ली और चिंग ने पहले से पुलिस वालों को मार के वहाँ पे रखा था। दूसरी तरफ हम ली और चिंग को देखते जो कि भागने की पूरी तैयारी में थे, लेकिन यहाँ पर भी हम देखते कि कहानी का सेकंड ट्विस्ट आता है। चिंग यहाँ पे ली को इसलिए नहीं बचाई थी क्योंकि वो उसे बचाना चाहती थी, बल्कि इसलिए बचाई थी ताकि वो उसे बदला ले पाए, क्योंकि चिंग को इस बात का बुरा लगा था कि जो उसका प्लास्टिक सर्जरी हुआ है वो और किसी का नहीं बल्कि ली की एक्स गर्लफ्रेंड का था। एक तरफ से बस वो युवान का प्यार लेने के लिए उसका यूज किया था। तो ये सब जानने के बाद चिंग डिसाइड कर ली थी कि वो उसे बदला लेगी। तभी ली को उसके ऊपर डाउट जाता है तो वो उसे पूछने लगता है कि अभी तक हम यहाँ से क्यों नहीं निकले, जिसके रिप्लाई में चिंग उसे बताती है क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ से निकलने दूंगी नहीं, तुम्हारे साथ मेरे कुछ पुराने हिसाब है जो कि आज मैं क्लियर करके रहूंगी। और तभी दूसरी तरफ हम देखते कि वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है जो कि ये लोग को पूरी तरीके से घेर लेती है। ये देखने के बाद अली तुरंत बोट के स्टेयरिंग के पास आता है और बोट को भगाने के लिए, लेकिन वहाँ पर आने के बाद वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है क्योंकि चिंग ने वहाँ पे ऑलरेडी बॉम्ब लगाए हुए थे। और तभी चिंग वो बॉम्ब के ट्रिगर को दबा देती है जिसके वजह से वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और हम देखते कि उस ब्लास्ट में ली और चिंग दोनों भी मर जाते हैं। और ये सब दूर से पुलिस वाले देख रहे थे जिन्हें कुछ पता नहीं चला था कि आखिर उसने बचाया क्यों था जब उसे ली को मारना ही था। और इसी के साथ हम देखते कि ये मूवी इधर ही एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।